हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेलीकास्ट एल टैबलेट के बारे में। दोस्तों इसका कैसे यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, कौन कौन इसका यूज़ नहीं कर सकता, किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाला गया है, कितने की टैबलेट आती है, किस कंपनी की बनाई हुई है और किस किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, मैं ये सारी जानकारी अभी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं टेलीकास्ट एल टैबलेट के बारे में। तो टेलीकास्ट एल टैबलेट ल्यूपिन लिमिटेड की बनाई हुई है, यानी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी की टैबलेट बनाई हुई है। दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 222 रुपये की आपको ये 15 टैबलेट मिल जाती हैं। दोस्तों अगर हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो मोन्टिलोकास्ट सोडियम लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों मोन्टिलोकास्ट इसके अंदर 10 mg में दिया गया, लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 5 mg में दिया गया, यानी कि दो कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों किस किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, ज़्यादा छींके आना, बहती नाक, आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली का होना, या स्किन में एलर्जी का होना, स्किन में रैसेस का होना, या आपकी बॉडी में कहीं भी लाल रंग के दाग हो रहे हैं जिसे हम चकदे कहते हैं या फिर रिंग बॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसको ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। या आपकी बॉडी में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या दोस्तों आपके सीने में जकड़न है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है तब भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ कुछ लोग ना करें, इसका यूज़ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा वो अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। प्रेगनेंट महिलाएं इसका यूज़ ना करें, या फिर जिनको लीवर की किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग इसका यूज़ ना करें। अल्कोहल लेने के बाद या अल्कोहल लेने से पहले भी आप इसका यूज़ ना करें, या अगर आप कोई और मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी इसका यूज़ ना करें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना, हाई बीपी, लूज मोशन का होना, ज़्यादा एसिडिटी होना, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक टैबलेट रात में ले सकता है। दोस्तों अगर ये टैबलेट बच्चे को देनी है तो मैं कहना चाहूँगा हाफ टैबलेट वो भी 8 साल से ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हो, खाना खाने के बाद सिर्फ और सिर्फ रात को ही ये टैबलेट देनी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको इस टैबलेट रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।